सारस और आरिफ की कहानी वाले एपिसोड में अब एक नई एंट्री हो गई है। जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए। समझ तो गए ही होंगे आप कि सारस की इस खास कहानी को शेयर करने वाले कोई और नहीं बल्कि वरुण गांधी हैं, बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी। आरिफ हाल ही में कानपुर जू में अपने दोस्त सारस से मिलने पहुंचा था, जहां आरिफ को देखते ही सारस झूम उठा था। अब इस वायरल वीडियो को वरुण गांधी ने भी शेयर किया है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, सारस और आरिफ की कहानी खास है। एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। ये खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। उसे उसका आसमान, उसकी आज़ादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। उत्तर प्रदेश में सारस और आरिफ की दोस्ती का वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। दोनों की दोस्ती का ये वीडियो पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया था। अब इस वायरल वीडियो को पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी शेयर कर दिया है। अब वरुण के इस वीडियो के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। कुछ का कहना है कि सारस की इस उड़ान के बहाने वरुण खुद भी उड़ान भरने की सोच रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यूपी में गौवंश से लेकर तमाम अन्य जानवर भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, मगर वरुण को चिंता सिर्फ सारस की है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण ने सरकार को घेरा है। इससे पहले भी कई बार सरकार पर वो निशाना साध चुके हैं। इसी महीने की 6 तारीख को जब बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही थी, तब उन्होंने किसानों और खेती के मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। इसमें बेमौसम हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने से लेकर आर्थिक नुकसान जैसे कई सवाल किए गए थे। कुल मिलाकर वरुण गांधी बीजेपी के लिए एक ऐसा कौर बन गए जिसे ना तो निकला जा रहा है और ना ही उगला। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वरुण की सक्रियता बढ़ती जा रही है। अभी तक ट्विटर पर सरकार को घेरने वाले वरुण ने लेटर पॉलिटिक्स भी खूब की है। अब वरुण का सारा फोकस सारस हो गया है और इस बहाने वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं या विपक्ष से नजदीकियां बढ़ाना, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर एक बात जरूर है कि ट्विटर राजनीति के बीच आरिफ और सारस की दोस्ती पिस रही है। एक पक्षी की भावनाएं कोई समझ नहीं पा रहा।